ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दर्शकों, लगातार हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, जो लगातार आपको विधि विधान बता रहे हैं किस तरीके से माता को प्रसन्न किया जाए, व्रत रखें तो क्या कुछ खाया जाए इस व्रत में, और किस तरीके से पूजन किया जाए इन नवरात्रों के दिनों में। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को, इस महत्व भी आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष फलों का महत्व क्या आता है इन दिनों में। जी, निश्चित तौर पर अगर आप इस दिन में आप व्रत करते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में करते हैं, तो निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। और जो प्रतिपदा तिथि होती है, यानी साल की जो पहली तिथि होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, इस पर व्रत करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे चिर सौभाग्य प्राप्त करने की कामना अगर आपके मन में है तो उन श्रद्धालुओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके परिणाम आपको अपने जीवन में बहुत उत्तम मिलते हैं। खासतौर पर जिनकी कुंडली में वैधव्य योग होता है, अर्थात जिन महिलाओं की कुंडली में विधवा हो जाने का योग होता है, पति सुख नहीं लिखा होता है, उनको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी जो वर्ष का पहला दिन होता है हिंदू नववर्ष का, नव संवत्सर का, उस तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी नवरात्र का पहला दिन का यदि आप व्रत करते हैं तो वैधव्य योग आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रहों के कारण बन रहा है तो वह योग समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक आदि हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में खूब सारी सफलता मिलती है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, परिवार में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ इससे वर्ष पर्यंत घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यानी नवरात्र के पहले दिन व्रत कर लेने से संवत्सर की तिथि में अगर आप उसके शुभागमन के लिए व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, सूर्यदेव की और देवी दुर्गा की साधना करते हैं, तो आपके परिवार में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को करने से दुख दारिद्र का आपके घर से नाश हो जाता है, वह दूर हो जाता है और धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो व्रत की परंपरा है, खासतौर पर नव संवत्सर की तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि में, या यूं कहें कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन या नवरात्र के 9 दिन या पहले और आखिरी दिन, तो इन दिनों में यदि आप व्रत करते हैं, इन पावन दिनों में व्रत करके आप साधना करते हैं, देवी दुर्गा की साधना करते हैं, क्योंकि इसी नवरात्र के अंतिम में नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व होता है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म होते हैं, तो आप भगवान श्री राम की साधना भी 9 दिनों में कर सकते हैं। अक्सर घरों में इस चैत्र नवरात्रि में लोग 9 दिन का नवान पारायण रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, यानी संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ इन 9 दिनों में, उसी को नवान पारायण कहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। उसके साथ साथ महाबली श्री हनुमान, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है, यदि आप उनकी साधना आराधना करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से आप मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव या पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, खासतौर पर राहु केतु शनि मंगल, तो उनके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए देवी दुर्गा की साधना हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, बताई गई है। और देवी दुर्गा की साधना करने के लिए इन 9 दिनों से उत्तम तिथियां कोई नहीं होती, तो इस नवरात्र में आपको देवी दुर्गा की साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली के जो भी खराब दोष हैं, अशुभ योग हैं, वो मिटेंगे, और जैसे ही अशुभ योग मिटेगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने लगेगी, जीवन में सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी।